वो पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है पूरा धाम। नहीं दिक्कत तो सब तमाम दिखी रहा है नज़र में, हर एक नक्षत्र में पानी भी नहीं बरसा, उसमें बहुत इधर उधर से सिंचाई उचाई करके हम लोग खेती लगाया धान का। और अभी आप आखिरी में जो धान फूटा है और अभी फूट रहा है, तो इसमें पानी नहीं आने के कारण धान में कीड़ा भी लगता है हम लोग को। और जो कीड़ा लगता है वो जो बाली आता है उसमें वो लोग चूस देता है, चूसने के बाद ना उसमें पिलाई हो जाता है। तो ज़मीन में अगर पानी रहता, नमी रहता, तो रोग जल्दी नहीं आता है। है कि अभी जो है धान में फूल आने का समय है ना, और इसमें दो तीन सावधानियां बरतनी चाहिए किसान भाई को। पहला है कि जब खेत में फूल आ जाए, पूरी तरह से आए या आना शुरू हो जाए, तो किसान भाई को चाहिए कि खेत में अनावश्यक प्रवेश न करें। होता क्या है कि जब वो खेत के अंदर घूमते हैं तो उनके शरीर से लग करके ये फूल झड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर प्रकोप हो रहा है खेत में, तो आप कार्बोफ्यूरॉन 3G नमक दवा है ना 30 kg प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं, या नहीं तो पिनाल फॉस नाम की दवा आती है, इसका 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करें। तो इससे